ये तस्वीरें यहाँ छपने लग गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप कैसे हो सम्राट हो? जो काम भारत की मीडिया को करना चाहिए वो सिंगापुर की मीडिया कर रही है। द स्ट्रेट टाइम्स एक नया आर्टिकल छपा है और सच में बड़ा खुशी हो रही है मुझे चंद्रशेखर भाई, द स्ट्रेट टाइम्स। खास बात यह है कि इसमें सुमित भाई को भी फीचर किया गया है और अशोक भाई को भी किया गया है और उनके साथ मुझे फीचर किया गया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पता था ये आर्टिकल आने वाला है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आने वाला है ये नहीं पता था। ये देखो बोल रहा था मैं सिंगापुर वाले पेपर में आर्टिकल आने वाला है। कॉर्पस सिंगापुर के पेपर में छापा इस बार, ये वाला। हाँ, पापा को फोटो छापा। गुड यार, अगर आपने पापा को फोटो फिर से छपाई वो छपा दिया है तो फिर प्लीज मेरा भी छपा। मैंने आपसे बोला था और आपने सुनी नहीं। अगर आपने आज नहीं सुनी तो मैं आपको मारूंगी और मेरा भाई भी आ रहा है, मैं उसके साथ आपको मारूंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, मेरी फोटो छपवाना ना भूलें। शादी का समय आ गया है। देखो ये कुछ इनविटेशन कार्ड आए हैं और इनविटेशन कार्ड्स पे जो है ना बाबा साहब बुद्ध इनके फोटो फीचर होने लग गए हैं। और यहाँ बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे है ना शादी के कार्ड होते हैं जिनमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन गलतियों को पॉइंट आउट मत करो यार। जो इतना यहाँ तक आए ना, ये तस्वीरें यहाँ छपने लग गई ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसको ये सोचिए कि ये तस्वीर के इनका नाम लेने से लोग डरते थे, आज कम से कम शादियों कार्ड में छाप तो रहे। पिछले कई दिनों से अपने परिंदे को उड़ाने के चक्कर में ना धूप में बहुत घुमा हूँ और उस चक्कर से ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ तो भी है, तो लपट लग गई है। ग्वालियर में लपट चलती है तो कुछ आलस सा और है ना थकावट सी फील हो रही है। ये वाला जो लॉकडाउन है ना, अगर ये भी लंबा चला तो फिर कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुजन समाज के, बहुत सारे लोग हैं जो है ना छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, सनी भी उनमें से एक है। मेहनत करने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी वो पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। और लॉकडाउन में अगर कुरियर वाले आना बंद हो गए तो भी समस्या है। सात दिनों का कर्फ्यू लग रहा है, मतलब गाड़ी वाड़ी भी नहीं ले जा सकते बाहर, तो हमें बहुत सारी चीज़ें भी पैकिंग करके भेजनी है। और वो कैसे भेजेंगे फिर? सामान वामान ले आते हैं पर कुछ चलो और क्या, पैकिंग मटेरियल ले आते हैं, पैकिंग मटेरियल वगैरह और ये लॉक वॉक लेके आ जाइए। ये बंडल तो बहुत है ना सबके, ना एक एक पैकेट निकाल लो। थर्मा को पुट्ठा तो चाहिए नहीं होगा, अपन को पुट्ठा तो बहुत है। प्लान बना रहे थे कि 14 अप्रैल को हम लोग ये करेंगे वो करेंगे और यहाँ तो कर्फ्यू लग रहा है। नहीं कल खुला है, परसों सुबह से। परसों सुबह से 15 तारीख सुबह 6 बजे से। नहीं नहीं कल से बोल रहे हैं यार, 15 तारीख सुबह 6 बजे। एक्चुअली लॉकडाउन अगर हो गया तो हमारे पास पैकिंग मटेरियल की बहुत आवश्यकता है। अगर पैकिंग मटेरियल नहीं हुआ तो हमें बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए सोच रहे हैं पैकिंग मटेरियल तो ले ही ले। सो ये पैकिंग मटेरियल ले लिया है, ये वो वाला पंचिंग वाला पूरा का पूरा टेप और पॉलीथीन। मुझे लगता है महीने भर तक का काम चल जाएगा अपना। 14 अप्रैल का जो प्लान है ना वो कुछ तो बन रहा है, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाले, वो तो फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। कल के वीडियो में ही बताएंगे कि एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं। और यहाँ शायद हमारे एक सब्सक्राइबर मिले हैं हमको, सम्राट मिले हैं, सॉरी। जय भीम भैया। जय भीम, सब बढ़िया है? बस बढ़िया है भैया। और लॉकडाउन वॉकडाउन में क्या हिसाब किताब चल रहा है? लॉकडाउन 15 तारीख से है ऐसा। 15 से 22 है। तो फिर काम वाम अपडेट हुआ, काम वाम बंद हो जाएगा, कैसे चलेगा हिसाब किताब अपना? सर काम तो ये है कि 7 दिन की छुट्टी तो मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद ये है कि काम तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। छुट्टी कब तक मनाओगे? पैसा भी तो इम्पोर्टेंट है। तो क्या हुआ ना कि पहले मतलब तैयारी तो सारी चल रही है, साफ सफाई रंग रोगन सब हो गया है। आज आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का सबसे बड़ा बाबा साहब का पार्क, जो हम कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या तैयारी हो रही है। अभी ये टेंट तो लग रहा है यार, मुझे लगता है प्रोग्राम तो होगा। प्रोग्राम तो होगा, प्रोग्राम को नहीं रोक सकता। यहाँ हर साल है ना एक प्रोग्राम होता है उसका, देखो यहाँ पर टेंट वेंट तो कुछ तो भी लग रहा है, तैयारी व्यारी तो दिख रही है, ये बिछाने के लिए रखे हुए लरे वल्लरे लग रही हैं। और देखो सामने बाबा साहब की जो स्टैचू है ना उसको ब्लैक कलर से पोत दिया गया है, मतलब तो ब्लू कलर से पोतते या गोल्डन कलर से पोतते तो ज़्यादा मज़ा आता, क्यों नहीं? नहीं क्यों, तो रही है ना ब्लैक ही रही है।
मतलब पहले ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद हो सकता है कि 14 अप्रैल इस बार भी ना मनाया जाए और बाहर गेट पे लॉक लगा दिया जाए, फिर कुछ लोग ज़बरदस्ती आएंगे, मालाएं चढ़ाएंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रोग्राम तो होगा, तैयारी हो गई है, यहाँ पे झल्लर वल्लर लग गई हैं। क्या नाम है आपका? रामेश सिंह। रामेश सिंह, तो 13 साल से आप यहीं हो? हाँ। मुझे नहीं जानते? अरे आपको देखा तो है। उस दिन हम आए थे ड्रोन शॉट उड़ाने के लिए, तो हमको मना करने लग गए मत बनाओ। पब्लिक भी जाती है ना सर, इसलिए। नहीं, अच्छी बात है, आपका काम तो आप कर रहे थे, साफ सफाई भी हो रही है। वैसे ये बात तो पक्की थी कि अगर उस दिन ये हमको है ना रोक देते ना कि ये ना अभी यहाँ अंदर मत आओ या वीडियो नहीं बनाओ, तो हम चले जाते, क्योंकि हम भी उस चीज़ का सम्मान करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब की मूर्तियों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, तो वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें फिर जाने दिया। पूरा महीने भर का ले आए हम तो, अगर लॉकडाउन महीने भर भी चला तो भी हमारा काम रुकेगा नहीं। कोरियर आया है हमारा, एक्चुअली हमें पता है इसके अंदर क्या है। सो ये जो है ना इंग्लिश ग्रामर की बुक्स थी, जो कि है ना एक बहुजन व्यक्ति ने प्रिंट करवाई थी, बाबा साहब की फ़ोटो लगी थी, इस वजह से ये सेल नहीं हुई। तो हमारी वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगी, जाके देखिए, इंग्लिश कोबरा इंग्लिश ग्रामर की अच्छी बुक है, कोई भी बच्चा मतलब किसी को इंग्लिश सीखनी है तो वो ये ख़रीद सकता है। चल ठीक है, बाय बाय, कल का देखते हैं क्या प्लान बनता है, कल बताते हैं फिर। और ये इसने एक नया चैनल खोल रहा है, इसने क्या नाम रखा उसका? न्यूज़ एंड फैक्ट्स। न्यूज़ एंड फैक्ट्स, तो आज पहला वीडियो रिकॉर्ड कर कल डालोगे? कल की प्लानिंग इसलिए डामाडोल हो रही होगी ना, कल गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो 15 तारीख से लॉकडाउन है, हम पहले सोचे थे कहीं बाहर जाएं, कुछ खास चीज़ों को कवर करें, जैसे नागपुर हो गया या फिर दिल्ली संसद भवन, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो कल हम फिर लोकल अपने ग्वालियर में ही जो कुछ कर सकते हैं उसकी प्लानिंग करेंगे, और सभी लोग व्यस्त हैं और सबको ये पता है कि यार कल के बाद अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सामान होते हैं घर के लिए लेने के लिए, तो वो भी लेना ज़रूरी है। अब समझ ही नहीं आ रहा करें क्या, मतलब इतनी अजीब और गरीब कंडीशन में फंसे हैं ना, जिसे हम बता नहीं सकते कि अपने घर के लिए सामान खरीद के रख लें या 14 अप्रैल मनाएं। लेकिन मुझे तो खैर समस्या नहीं, क्योंकि कॉर्पस है, उसने सारा इंतज़ाम कर लिया होगा, मुझे पता है। मेरा बेटा आ गया। कब आ गए आप? सीरीज लेकर आए, इससे थोड़ा सा घर सज जाएगा और सुंदर दिखेगा, लोगों को भी पता चलेगा भाई कुछ तो खास दे रहे हैं आज। ऐसो झल्लर लगवाने मदद कर मेरी, यहाँ खड़े हो जाए, यहाँ नीचे, और नीचे आ जाए ना वो झल्लर तो मुझे बताना, ठीक है? तो फाइनली ये कुछ ऐसा लग रहा है और देखने में बहुत सुंदर है, छोटा सा ही है लेकिन जितना भी है बढ़िया है, लॉकडाउन में इतना भी मुश्किल से हो पा रहा था। आप नहीं दिख रहे बेटा, और मेरी बड़ी बेटी आ चुकी है, टेंटड़ा एंड नहीं दिख रही आप। तो देखो मेरी बड़ी बेटी आ गई है, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। हम तो वैसे पहले ही मिल चुके हैं, सिर्फ वीडियो में बनाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। पहले आपका रिएक्शन इतना कुछ खास नहीं था मुझे देख के। अच्छा, पहले आपने मुझसे आते हुए पूछा था आप कौन, मैंने आपसे पूछा था आप कौन, दोनों ने मास्क लगा रखे थे। बताओ मास्क में पहचान नहीं पाते। द इंडियन एक्सप्रेस में हमारा आर्टिकल आया, आपने पढ़ा उसको? किसने लिखा है? मैंने लिखा है। उसका को राइटर कौन है? पता नहीं कौन है। जो आप नहीं है, दो लोगों ने लिखा है वो, और उसमें से अंजल भैया नहीं है। मैंने एक्चुअली मैं हिंदी में उसका फ्रेम बनाया था और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया अलका ने। अलका एक पोएट्री लिखती है फिलोसफी भैया, मैं सब बहुत कुछ लिखती हूँ, मैं सिर्फ पोएट्री नहीं लिखती, पोएट्री में सबसे कम लिखती हूँ। अच्छा अच्छा, इंस्टाग्राम आईडी है इसकी अलका पोएट्री, तुम बदलती रहती हो। अलका लॉसफी अलका गेट लॉस, अलका लॉसफी नहीं। तो वो आर्टिकल जो लिखा था ना, वो अलका ने उसका कोर जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया था वो अलका ने किया था, और दूसरा जो है आशीष लखनऊ वाले ने उसको रिफाइन किया था, और उसके बाद सूरज भाई ने उसको और भी ज़्यादा रिफाइन किया, और फाइनली वो प्रिंट हुआ। लेकिन जो उसका कोर बेस जो बनाया था वो अलका ने लिखा था, मैंने हिंदी में लिख कर दिया था। थैंक यू। बैठो। कल देखते हैं क्या होता है, कल लॉकडाउन तो नहीं हो जाए, पता चला कि लॉकडाउन ही हो जाए तो कल जो भी होगा वो कल के वीडियो में बताऊंगा मैं। तो आज के लिए इतना ही, कीप सपोर्टिंग।